सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर विभूति भूषण SNS RKS कॉलेज सहरसा अपने इस व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में चर्चा कर रहा था अपने पिछले व्याख्यान में, और उसमें गुप्तों के इतिहास जानने के स्रोत के बारे में बताया। आज मैं गुप्तों के उत्पत्ति के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। गुप्त लोग किस वर्ण के थे ये स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। गुप्त शासक गुप्त शासकों का कहीं ऐसा साहित्यिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है जिससे ये कहा जाए कि वो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण के थे। सभी इतिहासकारों का अपना अपना अलग मत है और उसके अपने पक्ष में अपना कुछ तर्क देते हैं, जिसमें काशी प्रसाद जायसवाल सबसे पहले अपना तर्क ये अपना मत ये रखते हैं कि वो शूद्र वर्ण के थे, यानी कि गुप्त लोग निम्न जाति के थे। उनका कहना है कि चूंकि ये निम्न जाति के थे, इसी कारण अपने अभिलेखों या साहित्यों में अपने वर्ण के बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं दी है। आगे वो अपने मत के समर्थन में एक कौमोदी महोत्सव नाटक के बारे में बताया है, जिसमें इस नाटक के रचयिता वज्जिका नामक महिला थी। ये कहती हैं कि सुंदर वर्मा नामक एक मगध का शासक था जिसको पुत्र नहीं थी। जिसके कारण वो एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम चंडसेन था, और इसके कुछ दिनों के बाद सुंदर वर्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे कल्याण वर्मा कहा गया। कल्याण वर्मा के जन्म लेने के कारण चूंकि चंडसेन का राजा बनने का जो संभावना था वो क्षीण हो गया, इसके कारण चंडसेन सुंदर वर्मा से यानी मगध के शासक से नाराज रहने लगे, और मगध के बैरी मलेच्छ लिच्छवी के साथ
चंडसेन संबंध स्थापित कर और गुप्तों पे आक्रमण कर दिया, सॉरी मगध पे आक्रमण कर दिया। जिसमें सुंदर वर्मा मारा गया और चंडसेन अपने आप को राजा घोषित कर दिया। सुंदर वर्मा का जो विश्वास पात्र मंत्री थे वो कल्याण वर्मा का जीवन खतरे में देख वो एक अज्ञात स्थान पंपासुर नामक जगह पे छिपा दिया और मगध का जो सीमावर्ती क्षेत्र था उन क्षेत्रों में मगध के राजा चंद्रसेन के खिलाफ विद्रोह भड़का दिया, जिसे दबाने के क्रम में चंद्रसेन समेत उसका सपरिवार समाप्त हो गया। और इस चंडसेन को इस कौमोदी महोत्सव नामक नाटक में राजाओं में कारस्कर कहा गया है। काशी प्रसाद जायसवाल साहब चंडसेन को चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं और उनका कहना है कि चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्तों का तीसरा राजा था वो लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित किया था और चंद्रसेन भी लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित किया था, इसलिए चंद्रसेन चंद्रगुप्त प्रथम है। और चूंकि लिच्छवी लोगों को इस पुस्तक में मलेच्छ कहा गया है, यानी निम्न जाति का कहा गया है, इसलिए वो शूद्र हैं। इस नाटक में चंद्रसेन को राजाओं में कारस्कर यानी बौद्ध साहित्य बौद्धायन से पता चलता है कि कारस्कर निम्न वर्ण को कहा जाता था, निम्न जातियों को कहा जाता था, यानी कि चंद्रसेन जिसे काशी प्रसाद जायसवाल चंद्रगुप्त कहते हैं वो निम्न वर्ण के थे। फिर एक और इसके पक्ष में अपना प्रमाण देते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता थी, उसका एक पूना से ताम्रपत्र मिला है, उसमें अपने आप को धारण गोत्र का बताया है। प्रभावती गुप्ता की शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुई थी और वो विष्णुवर्धन गोत्र के थे, इसलिए ये जो प्रभावती गुप्ता का जो गोत्र लिखा गया है वो उसका पिता का गोत्र था। धारण और एक जाट समुदाय के धरणी समुदाय से इसका तारतम्य मिलाते हुए इसे निम्न जाति का बताते हैं। एक और प्रमाण देते हैं कि मत्स्य पुराण में कहा गया है
कि महानंद के बाद गुप्तों पर शूद्र शासन करेगा। सॉरी, महानंद के बाद पृथ्वी पर शूद्र शासक शासन करेगा। और इन्हीं सब साक्षियों को रखते हुए ये अपने जो शूद्र होने का जो बात कहते हैं उसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन इनके विपक्ष में जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि जो कौमुदी महोत्सव में कहा गया है कि चंडसेन चंद्रगुप्त प्रथम है, और चंडसेन का चूंकि समूल नाश हो गया था और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो उसके बाद के भी जो शासक थे वो मगध पे शासन किया है, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम चंडसेन नहीं हो सकता। और चूंकि नहीं, चंडसेन चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है इसलिए वो शूद्र भी नहीं है। दूसरी चीज, जो मलेच्छ लिच्छवि के बारे में कहा गया है कि मलेच्छ लिच्छवि थे, लिच्छवि मलेच्छ थे यानी निम्न जाति के थे, ये भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि लिच्छवियों को शूद्र होने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। और जो प्रमाण मिलता है उसके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि वो संभवतः क्षत्रिय थे न कि शूद्र थे, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम या गुप्त शासक शूद्र या निम्न जाति के नहीं थे। वो जो प्रभावती गुप्ता का जो पूना ताम्रपत्र में धरणी गोत्र धारण गोत्र का कहा गया है, और जाट समुदाय का जो धरणी से तारतम्य किया गया है वो एक शब्दों का सिर्फ मेल है, न कि धारण निम्न जाति से संबंध रखता था। धारण गोत्र निम्न जाति से संबंध रखता था। तीसरा, कि मत्स्य पुराण में जो कहा गया है कि महापद्म नंद के बाद पृथ्वी पर शूद्रों का शासन रहेगा, ये भी निराधार प्रतीत होता है क्योंकि नंदों के बाद बहुत सारे शासक हुए जो शूद्र नहीं थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हें क्षत्रिय कहा जाता है जिसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो साक्ष्य मिलता है उसके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि वो क्षत्रिय थे। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण शासक था, सातवाहन भी ब्राह्मण था, तो इस आधार पे नहीं कहा जा सकता कि मगध का जो गुप्त शासक है वो शूद्र था। यानी कि काशी प्रसाद जायसवाल साहब का जो शूद्र होने का, गुप्तों का शूद्र होने का जो प्रमाण दिया जाता है वो
निराधार प्रतीत होता है। मैं अपना व्याख्यान यही समाप्त करता हूं। अपने अगले व्याख्यान में आप लोगों को इसके आगे का पाठ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।